हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज। मैं मारुत तिवारी आपके सामने हूँ इस गेट क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर। और गेट क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सियल लोडिंग के बारे में, टॉर्सनल लोडिंग के बारे में, और शेयर और बेंडिंग में हम लोड डायग्राम्स के बारे में, SFD BMD के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और स्ट्रेस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन से पर्टिकुलरली रीसेंट ईयर्स में गेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव आस्क्ड फ्रॉम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो अभी अगर रीसेंट ट्रेंड को देखें, पिछले 4-5 सालों के ट्रेंड को, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। हर बार एक दो क्वेश्चंस आते रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। इस सेशन में हम कैंटिलीवर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में भी हम कैंटिलीवर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि स्लोप डिफ्लेक्शन एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको 3 सेशंस में डिवाइड किया है। तीसरे सेशन में मैं सिंपली सपोर्टेड और ओवर हैंगिंग बीम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स गो अहेड। मेरा नाम है मारुत तिवारी और मैं IIT खड़गपुर से मास्टर्स की है मैंने IIT खड़गपुर से मास्टर्स की है मैंने और मैंने वहाँ पर मल्टीपल अवार्ड्स रिसीव किए और मैंने गेट क्रैक की है मल्टीपल टाइम्स। आई एम ऑल्सो एन ऑथर ऑफ द बुक गेट इन 75 डेज, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेस को फॉलो करने के लिए आप इस लिंक पर जाएं और मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं गेट 2021 के लिए पर्टिकुलरली 4-5 सब्जेक्ट्स सिस्टमेटिकली सिखाने वाला हूँ। 40-50 मार्क्स की गारंटी मैं खुद लेने वाला हूँ गेट 2021 के लिए। तो सर, लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस अबाउट द थिंग्स। करंटली आई एम एसोसिएटेड विद अनअकैडमी, एंड अनअकैडमी से आपकी प्रिपरेशन करने के आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। आपकी फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग रहती है, आप जब चाहो तब कोर्सेज को अटेंड कर सकते हो। आप चाहो तो इंग्लिश में या हिंदी में या फिर और लोकल लैंग्वेजेस में भी सेशंस होते हैं, तो उनमें आप सेशंस को अटेंड कर सकते हो और जितनी बार आप देखना चाहो उतनी बार देख सकते हो। सर, आप अगर लाइव सेशंस अटेंड करते हो तो आप एजुकेटर को अपने डाउट्स पूछ सकते हो और इंटरैक्टिव पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन पार्टिसिपेट इन इंटरैक्टिव पोल्स। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आपके फोन पर आप सीख सकते हो चीज़ों को। आप एक पूरा क्लासरूम लाइक एनवायरनमेंट आपके फोन पे आपको मिलता है, आप इंटरैक्ट कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड यू टू इंस्टॉल एन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड अटेंड सम, बिकॉज आप एन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करोगे और कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा दैट डिजिटल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में एक जो मिथ है कि वो फील नहीं आता है, वो ब्रेक होगा और आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। आप कहीं भी बैठे हुए बिल्कुल क्लासरूम लाइक एनवायरनमेंट में आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। वैसे मंथली और 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के पैकेज पर जाओ। 12 मंथ्स के पैकेज की वन टाइम पेमेंट है 25,000 रुपीज एंड 24 मंथ्स के पैकेज की वन टाइम पेमेंट है 40,000 रुपीज। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो MT लाइव सब्सक्रिप्शन के समय, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और आपको 22,500 पे करना होता है फाइनली 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको पे करना होता है 36,000। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ये बहुत वैल्यू फॉर मनी है। आप जब 36,000 पे सब्सक्राइब करते हो तो इफेक्टिवली आप देखोगे कि आपको सिर्फ 1,500 रुपीज पर मंथ इफेक्टिव कॉस्ट आती है इस पूरे सब्सक्रिप्शन के पैकेज की। और अगर आप इवन 12 मंथ्स वाले पे देखो तो 12 मंथ्स वाले पे 22,500 आप पे करते हो, और उसको आप 12 मंथ्स पे अगर डिवाइड करोगे देन इट इज गोइंग टू बी जस्ट 1,875 रुपीज पर मंथ। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और उस पर भी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अनअकैडमी पर लाइव सिखाने वाला हूं। गेट 2021 से पहले पहले मैं
पांच सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और थ्योरी ऑफ मशीन्स और मशीन डिजाइन, ये पांच सब्जेक्ट्स में बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाने वाला हूँ। सो ये 40 से 45 मार्क्स की गारंटी, दिस 40 to 45 मार्क्स गारंटी आई एम गोइंग टू टेक। आई एम गोइंग टू टीच देम वेरी सिस्टमेटिकली एंड स्टेप बाई स्टेप। आई एम गोइंग टू बिल्ड ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आपके सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे बल्कि गेट के लिए आप एक टारगेटेड प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं। एंड देन सर, आपको करना बस इतना सा है कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और शुरू हो जाना है। गेट को एज अ गोल सेलेक्ट करो एंड स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बताने को मैं आपको बहुत सारे रीजंस बता सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मोटिवेशन कि आप गेट की प्रिपरेशन अनअकैडमी के थ्रू ही क्यों करो। बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट को सिखाने के लिए आपको मल्टीपल एजुकेटर के कोर्सेज अटेंड करने का मौका मिलता है। यू थिंक अबाउट इट, जब आप कन्वेंशनल क्लासरूम कोचिंग प्रोग्राम्स के बारे में सोचते हो, सर, तो आपको एक सब्जेक्ट एक टीचर से सीखने को मिलता है। और अगर आपको नहीं समझ आया जस्ट इन केस, तो आपके पास कोई चॉइस होती है क्या? वहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, लेकिन अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है चॉइस। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप एक ही कोर्स को मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल एजुकेटर्स के थ्रू अटेंड कर सकते हो सर। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गो अहेड, डोंट हेजिटेट, सब्सक्राइब फॉर द थिंग्स। पर्टिकुलरली मेरे वो दोस्त जो गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूज माई कोड MTLIVE एंड सब्सक्राइब to get 10% additional discount. अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में ये करंट सेशन और नेक्स्ट सेशन में डेडिकेट करने वाला हूं कैंडिलीवर बीम्स पर। कैंडिलीवर बीम्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप इसी प्लेलिस्ट में, ये जो गेट 2020 के लिए मेरी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स वाली प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट्स में आप जाओगे तो गेट 2020 के लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, उसमें एक हिंदी वाली प्लेलिस्ट है, इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट भी है। आपके लिए जो कंफर्टेबल हो, जो कन्वीनियंट हो, उसमें आप जा सकते हो। यू कैन गो फॉर हिंदी, यू कैन गो फॉर इंग्लिश। तो सर उसमें जाके आप पहले तीन वीडियोस देख लो, तो आपको कैंटीलीवर में स्लोप डिफ्लेक्शन की जितनी भी वैरायटी हो सकती है प्रॉब्लम्स की, वो मैंने सबसे पहले आपको सिखाई है। वो जाके आप देखो और फिर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। बट जस्ट इन केस अगर वो आपके लिए अभी फिजिबल नहीं है, नो प्रॉब्लम। कैंटीलीवर के लिए कम से कम आप इतना याद रखो सर, कैंटीलीवर के लिए कम से कम आप इतना याद रखो, चार स्टैंडर्ड केसेस हैं और इन चार स्टैंडर्ड केसेस हैं सर। एक है कैंटिलीवर सब्जेक्ट टू, एक है कैंटिलीवर सब्जेक्ट टू कपल, दूसरा है कैंटिलीवर सब्जेक्ट टू पॉइंट लोड, तीसरा है कैंटिलीवर सब्जेक्ट टू यूडीएल और चौथा है कैंटिलीवर सब्जेक्ट टू यूवीएल, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है ओमेगा नॉट। यहां पर इनके लिए आपको थीटा मैक्स के फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। थीटा मैक्स एंड पर होगा और थीटा मैक्स के फॉर्मूलाज होंगे एम नॉट एल डिवाइडेड बाई ई आई। जब कैंटिलीवर पे पॉइंट लोड है तो थीटा मैक्स का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ई आई। जब कैंटिलीवर पे यूडीएल है तो थीटा मैक्स का फॉर्मूला होगा ओमेगा एल क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स ई आई। एंड अगर कैंटिलीवर पे यूवीएल है तो मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला होगा ओमेगा नॉट एल क्यूब डिवाइडेड बाई 24 ई आई। एंड देन माई डियर फ्रेंड्स, ये चारों स्टैंडर्ड बीम्स के लिए आपको वाई मैक्स भी याद रखना है। आप अगर पहला वीडियो देखोगे इस प्लेलिस्ट में जहां मैंने कैंटिलीवर में स्लोप और डिफ्लेक्शन को डेडिकेट करते हुए इन सारे फॉर्मूलाज को क्विकली प्रोड्यूस करने की ट्रिक सिखाई है, तो वहां जाके आप ट्रिक सीख सकते हो। वाई मैक्स का फॉर्मूला होगा, अगर कैंटिलीवर पे कपल है तो वाई मैक्स का फॉर्मूला होगा एम नॉट एल स्क्वायर बाई टू ई आई। अगर पॉइंट लोड है तो वाई मैक्स का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री ई आई। अगर यूडीएल है तो वाई मैक्स का फॉर्मूला होगा ओमेगा एल रेज टू फोर डिवाइडेड बाई एट ई आई।
अगर UVL है तो Y max का फॉर्मूला होगा ओमेगा नॉट L raised to 4 divided by 30 EI. तो ये 8 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं सर, मेमोराइज करने हैं. आपका नाम भूल जाओ आप, बट ये 8 फॉर्मूलाज आपको नहीं भूलने हैं. मैं फिर से आपको बता दूं, इसी प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप सबसे पहला वीडियो देखोगे तो वहां आपको इन फॉर्मूलाज को याद रखने की और इन फॉर्मूलाज को अगर आप भूल जाओ तो रिप्रोड्यूस करने की एक बहुत प्यारी सी ट्रिक मैंने सिखाई है, वो ट्रिक आप वहां से जाके सीख सकते हो. सो लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन. इसके अलावा, इन 8 फॉर्मूलाज के अलावा आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है, और वो ये कि अगर कभी कैंडिलीवर पे एक सर्टेन लेंथ पे लोड हो, एक सर्टेन लेंथ पे लोड हो और रिमेनिंग लेंथ पे लोड ना हो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहां पर ए लेंथ पे लोड है और बी लेंथ अनलोडेड है, तो सर इसको जब आप बेंड होते हुए देखोगे तो इसको जब आप बेंड होते हुए देखोगे तो ये बेंड होगा कुछ इस तरह से, दैट पी से लेकर एस तक तो आपको एक कर्वेचर दिखेगा, बट एस से क्यू तक, सॉरी एस से लेकर क्यू तक, एस से लेकर क्यू तक बीम स्ट्रेट रहने वाली है. क्यों स्ट्रेट रहने वाली है बीम? वाई द बीम इज गोइंग टू रिमेन स्ट्रेट. वाई द बीम इज गोइंग टू रिमेन स्ट्रेट, यू थिंक अबाउट इट. बीम स्ट्रेट क्यों रहने वाली है एस से लेकर क्यू तक? क्योंकि सर एस से लेकर क्यू तक कोई लोड ही नहीं है, कोई बेंडिंग मोमेंट ही नहीं है, तो बीम बेंड नहीं होगी. वहां पर बीम स्ट्रेट रहने वाली है, और अगर बीम स्ट्रेट रहने वाली है तो आप क्यू पर डिफ्लेक्शन को लिख सकते हो एस पर डिफ्लेक्शन, क्यू पर डिफ्लेक्शन को लिख सकते हो एस पर डिफ्लेक्शन प्लस ये इतनी हाइट, ये इतनी हाइट, दिस हाइट हेयर. एंड इस तरह से आपको एक शॉर्टकट मिलता है कि वाई क्यू को आप लिख सकते हो. दिस इज हाउ यू गेट अ शॉर्टकट दैट वाई क्यू यू कैन राइट एज वाई एस प्लस बी इंटू थीटा एस. वाई क्यू यू कैन राइट एज आई एम सॉरी आई skipped one step. So we can write yq is equal to ys plus h, और h को आप लिख सकते हो इस ट्राइंगल में, अगर आप फोकस करो, if you focus at this particular triangle, तो h को आप लिख सकते हो यहां से h divided by b. h divided by b is nothing but tan theta. theta की बहुत small values के लिए tan theta को आप theta लिख सकते हो, तो यहां से h को replace कर सकते हो आप, यहां से h को रिप्लेस कर सकते हो आप b इंटू थीटा एस. अब आप बोलोगे yq को आपने q पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन है उसको आपने s पॉइंट के डिफ्लेक्शन और स्लोप में एक्सप्रेस कर दिया. अब s पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा? s पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन पाने के लिए सर आपको इस इतनी बीम पर फोकस करना है. S पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको इस इतनी बीम पर फोकस करना है, और ये फिर से आपको स्टैंडर्ड बीम जैसा दिखने लगेगा, ये फिर से आपको स्टैंडर्ड बीम जैसा दिखने लगेगा अगर आप इस इतनी बीम पर फोकस करोगे तो. और थीटा क्यू क्या होगा? अगर आपको जस्ट इन केस यहां पर स्लोप फाइंड आउट करना है, क्यू पर अगर स्लोप फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? वो एस के स्लोप के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि एस से क्यू तक कोई कर्वेचर नहीं है, और आप जानते हो लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता है, तो क्यू पर आप स्लोप लिख सकते हो एस पर स्लोप के इक्वल. यू कैन राइट थीटा क्यू इज इक्वल टू थीटा एस. ऑलराइट, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी बातें, और इन बातों को याद रख के आप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. कुछ एक तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसफर करेंगे लोड को, बट नंदलेस वो आप प्रॉब्लम्स के थ्रू सीख जाओगे. मैं फिर से आपको बता दूं कि इसी प्लेलिस्ट में स्लोप डिफ्लेक्शन को लेकर मैंने डिटेल्ड डिस्कशन किया है, तो वहां जाके आप देख सकते हो, और आपको कैंटिलीवर में पर्टिकुलरली स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बहुत जबरदस्त शॉर्टकट्स और बहुत जबरदस्त ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी वहां से. पर्टिकुलरली पहला और दूसरा वीडियो आप देख लो हर हाल में. तो सर लेट्स गो अहेड एंड ट्राई attempting one mark problems in this particular session. Next session में मैं 2 marks वाली जितनी भी problem है cantilever पे वो आपको सिखाने वाला हूँ.
अभी यहां पर आपको बोला गया है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूं आपको, ये प्रॉब्लम सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूं आपको। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम है दैट दो आइडेंटिकल कैंटिलीवर बीम्स हैं जिनको एक पिन के थ्रू बस एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा गया है। ऑल राइट, एक रिजिड रोलर के थ्रू दोनों को रखा गया है और जब लोड अप्लाई करेंगे पी, तो आपको पूछा गया है कि फ्री एंड्स पर, ये जो फ्री एंड्स हैं दोनों कैंटिलीवर बीम्स के, इन पर डिफ्लेक्शंस इक्वल होंगे बट स्लोप इक्वल नहीं होंगे, या फिर स्लोप इक्वल होंगे बट डिफ्लेक्शंस इक्वल नहीं होंगे, या फिर डिफ्लेक्शंस भी इक्वल होंगे और स्लोप भी इक्वल होंगे, या फिर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग कि दो कैंटिलीवर बीम्स को अगर इस तरह से कॉन्टैक्ट में रखा गया है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पर, यानी कि उनके फ्री एंड्स पर, उनके फ्री एंड्स पर डिफ्लेक्शन और स्लोप इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे, ये आपको देखना है। तो ये कोई फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, ये बहुत कॉमन सेंस वाला प्रॉब्लम है दैट गाइज यू हैव वन कैंटिलीवर एंड देन यू हैव अनदर कैंटिलीवर। अब आप इस लोड की वजह से, आप इस लोड की वजह से कैंटिलीवर नंबर टू, इसको मैं कह देता हूं कैंटिलीवर नंबर टू एंड लेट अस कॉल दिस एज कैंटिलीवर नंबर वन। तो इस लोड की वजह से कैंटिलीवर नंबर टू क्या होगा? वो नीचे आएगा, वो बेंड होगा इस लोड की वजह से, और बेंड होने के बाद वो कैंटिलीवर नंबर टू कुछ इस तरह से दिखने वाला है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। एंड देन उसकी वजह से, क्योंकि कैंटिलीवर नंबर टू जो है वो कैंटिलीवर नंबर वन पर, बीम टू को आपने बीम वन पर सपोर्ट किया है, तो जब बीम टू ऐसे नीचे आएगा तो नेचुरली, जब बीम टू ऐसे नीचे आएगा सर, तो नेचुरली बीम वन को भी नीचे आना होगा। बीम वन ऑल्सो विल हैव टू कम डाउन समथिंग लाइक दिस, और क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में है एक रिजिड रोलर के थ्रू। अब आप सोचोगे ये रोलर गिर नहीं जाएगा क्या? सर ये डिफ्लेक्शंस बहुत छोटे होने वाले हैं। ऑल राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बीम्स आर मेड फ्रॉम वेरी स्ट्रांग स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, इसलिए डिफ्लेक्शंस और स्लोप इतने नहीं होंगे जितने मैंने दिखाए हैं, बहुत छोटे से डिफ्लेक्शंस या स्लोप की वैल्यूज होने वाली है। तो ये ऐसा नहीं है कि पर्पल से ग्रीन तक आने में एक्चुअली इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा सिनेरियो, ये बहुत कम डिफ्लेक्शंस होने वाले हैं सर। तो डिफ्लेक्शन के बाद आप एक बात तो बहुत क्लियरली देख सकते हो, और वो बात है दैट दोनों बीम्स में डिफ्लेक्शन सिमिलर होगा, दोनों बीम्स में, क्योंकि दोनों बीम्स कनेक्टेड है तो दोनों जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दोनों ट्रेवल करेंगे यहां पर, बट स्लोप इक्वल होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। थीटा वन और थीटा टू इक्वल होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग है, एक पर लोड बीच में लग रहा है, बीम टू पर लोड बीच में लग रहा है और यहां एक रिएक्शन लगेगा अपवर्ड, बीम वन पर लोडिंग कुछ और है। बीम वन पर लोडिंग क्या है? बीम वन पर लोडिंग है सिर्फ यहां पे एक रिएक्शन। तो स्लोप इक्वल होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी रोलर या हिंज ऐसे होते हैं जिनके अबाउट रोटेशन अलाउड होता है। मैं रिपीटेडली आपको बता चुका हूं, अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो, कि किसी भी रोलर या हिंज के अबाउट रोटेशन अलाउड है। तो किसी रोलर या हिंज पे अगर दो बॉडीज कनेक्टेड हैं तो वो दो बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट हो सकते हैं, लेकिन वो मूव साथ साथ करेंगे, और मूव साथ साथ करेंगे इसलिए डिफ्लेक्शंस इक्वल होंगे, बट क्योंकि रोलर या हिंज रोटेशन अलाउ करता है इसलिए उनके रोटेशंस अनइक्वल हो सकते हैं, उनके स्लोप अनइक्वल हो सकते हैं, और इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है पहला दैट डिफ्लेक्शन तो इक्वल होंगे बट स्लोप इक्वल नहीं होगा इस पर्टिकुलर केस में। अभी यहां हिंज, आप अगर हिंज के थ्रू कनेक्ट कर देते, जैसे आप अगर दो बीम्स लो, मैं आपको इसमें एक और वेरिएशन बताता हूं सर, अगर आपने दो बीम्स लिए और दो बीम्स को आपस में पिन के थ्रू कनेक्ट कर दिया, दो कैंडिलीवर बीम्स को आपने अगर एक पिन के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो भी यही कहानी होगी दैट ये दोनों बीम्स डिफ्लेक्ट होंगे, जब ये दोनों बीम्स डिफ्लेक्ट होंगे इस फाइनल पोजिशन पर, ये
दोनों बीम्स जब इस फाइनल पोजीशन पर डिफ्लेक्ट होंगे तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो सर दैट हिंज से कनेक्टेड होने की वजह से उनके स्लोप इक्वल, उनके डिफ्लेक्शंस इक्वल होंगे। जितना एक बीम मूव करेगा नेचुरली उतना ही दूसरा बीम मूव करेगा, बट क्योंकि हिंज के अबाउट रोटेशन अलाउड होता है इसलिए दोनों में डिफरेंट डिफरेंट थीटा हो सकता है, इसलिए दोनों बीम्स में डिफरेंट डिफरेंट थीटा हो सकता है। एक बीम का थीटा और दूसरी बीम का थीटा, ये दोनों अनइक्वल हो सकते हैं। तो ये आप याद रखना कि जब भी कभी दो बीम्स हिंज के थ्रू या फिर रोलर के थ्रू कनेक्टेड है तो उनमें डिफ्लेक्शंस कॉमन पॉइंट पे डिफ्लेक्शंस इक्वल होंगे बट स्लोप्स इक्वल नहीं होंगे। लेट मी नाउ टेक यू टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये 2012 में आया हुआ वन मार्क प्रॉब्लम है। इस वन मार्क प्रॉब्लम में उन्होंने पूछा है कि एक कैंटिलीवर बीम है, ओके दिस शुड नॉट बी ब्लैक, एक कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम में एक मोमेंट एम अप्लाई किया गया है फ्री एंड पर, एक मोमेंट एम अप्लाई किया गया है फ्री एंड पर, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा अगर एक कैंटिलीवर बीम पर, अगर एक कैंटिलीवर बीम पर एंड पर मोमेंट अप्लाई किया गया है तो इस पर्टिकुलर कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो पूछा है उन्होंने। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है इस पर्टिकुलर बीम के लिए, मैंने आपको बताया था कि ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे स्टैंडर्ड केसेस अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा सर। तो इसके लिए कैंटिलीवर बीम पर अगर आप कपल अप्लाई करते हो एंड पर तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI। तो ये सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ML स्क्वायर बाई 2EI, ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI। बधाई हो, आपको मिलता है वन मार्क विदाउट एनी एफर्ट। और अगर आपको ये स्टैंडर्ड बीम्स, स्टैंडर्ड कैंटिलीवर बीम्स के फार्मूलाज याद रखने की ट्रिक सीखनी है, गो टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। अभी बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। एक कैंडिलीवर बीम है, जिस कैंडिलीवर बीम का क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर, और इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की कैंटिलीवर बीम को आपने एक तरफ ऑब्वियसली फिक्स किया होगा, कैंटिलीवर बीम एक तरफ फिक्स होता है सर, और दूसरे एंड पर आपने एक लोड अप्लाई कर दिया है W। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा गिवन है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है साइड ए सब्जेक्टेड टू एन एंड लोड, एंड पे लोड अप्लाई कर दिया। अब वो कहते हैं कि अगर ए इंक्रीज कर दिया जाए 19% से, अगर ए इंक्रीज कर दिया जाए 19% से तो डिफ्लेक्शन किस परसेंटेज से डिक्रीज होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर से ये एक स्टैंडर्ड बीम है, और ये स्टैंडर्ड बीम है सेकेंड वाला, कैंटिलीवर बीम पे एंड पे लोड है। इसके लिए वाई मैक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, WL क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI। इसके लिए वाई मैक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, WL क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI। दिस हैपेंस मल्टीपल टाइम्स सो आई विल हैव टू बी केयरफुल। वाई मैक्स का फॉर्मूला है WL क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI। मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है सर, मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है रेक्टेंगल के लिए A इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो यहां से आपको मिल जाएगा, अगर आप A के टर्म्स में फाइंड आउट करोगे देन इट इज गोइंग टू बी 4WL क्यूब डिवाइडेड बाई e^4। तो क्योंकि A को चेंज किया है बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए, इसलिए बाकी पूरे कॉम्बिनेशन को मैं नाम दे देता हूं K, तो मेरे पास होगा वाई मैक्स इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई e^4। अब सर बात करते हैं चेंज की, तो कितना चेंज हो रहा होगा। बात करते हैं परसेंटेज चेंज की, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा होगा, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन मल्टीप्लाइड बाई 100।
अगर आप ए को चेंज करोगे तो वाई भी चेंज होगा. तो मैंने पहले मान लिया कि डिफ्लेक्शन था वाई वन, बाद में मैंने डिफ्लेक्शन मान लिया वाई टू चेंज होने के बाद. तो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन मल्टीप्लाइड बाई 100. अब y2 और y1 सबके लिए वैल्यू आप रख सकते हो k डिवाइडेड बाई a2 रेस टू 4 एंड k डिवाइडेड बाई a1 रेस टू 4 फर्दर डिवाइडेड बाई k डिवाइडेड बाई a1 रेस टू 4 एंड परसेंटेज कैलकुलेट करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी 100. नाउ k कैंसिल हो जाएगा यहां से, k कैंसिल हो जाएगा यहां से और आपको मिलेगा a1 पावर 4 माइनस a2 पावर 4 डिवाइडेड बाई a1 4 a2 4. a1 4 भी कैंसिल हो जाएगा. सो डिवाइडेड बाई a2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 100. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. अब आपको बोला गया है कि a को इंक्रीज किया गया है 19% से, a को इंक्रीज किया गया है 19% से. तो a2 हो जाएगा a1 प्लस 19% ऑफ a1, a1 plus 19% of a1, which is nothing but 1.19 times a1. तो a2 की जगह पर आप रख सकते हो, a2 को आप रिप्लेस कर सकते हो 1.19 times a1, 1.19 times a1. अभी a1 पावर 4 कॉमन फैक्टर है तो a1 पावर 4 ने a1 पावर 4 को a1 पावर 4 से मार दिया. आपके पास बचता क्या है, लेट मी वेरी क्विकली कैलकुलेट दिस. ये बचता है 1.19 पावर 4 एंड देन 1 से माइनस करना है डिवाइडेड बाई 1.19 पावर 4 and multiplied by 100. So this is coming to be 50.13. This is coming to be minus 50.13%. So fourth option is the correct one. तो आपने देखा किस तरह से स्टैंडर्ड बीम के जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट किए गए हैं. अभी जैसे ये 2019 में लेटेस्ट आया हुआ प्रॉब्लम है और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम फिर से मैं आपको याद दिला दूं ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम यहां पर जो हमारे पास है, कैंडिलियर बीम पे यूवीएल, कैंडिलियर बीम पे यूवीएल है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है ओमेगा नॉट एल रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 30 EI. कैंडिलीवर पे अगर यूवीएल है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है ओमेगा नॉट एल रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 30 EI. ये आपको याद रखना है, प्लीज डू रिमेंबर दिस. नाउ लेट अस गो अहेड एंड हैव अ लुक एट दिस 2019 प्रॉब्लम. सेम बीम है ये, एग्जैक्टली सेम बीम है ये सर, बस उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी को ओमेगा नॉट लिखने के बजाय उन्होंने क्यू लिखा है. तो इसके लिए आपको ऑलरेडी मालूम है ओमेगा नॉट एल रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 30 EI, ओमेगा नॉट एल रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 30 EI. तो ये थे वन मार्क प्रॉब्लम्स. तो ये थे सिर्फ वन मार्क प्रॉब्लम्स जो कैंडिलीवर बीम पर बेस्ड हैं. नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दो मार्क्स के प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी कैंडिलीवर पर बेस्ड हैं. और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो दो मार्क्स में आए हैं कैंडिलीवर पे बेस्ड. 2007 में आया हुआ ये प्रॉब्लम, 2009 में. नेक्स्ट सेशन में हम इस तरह के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं जहां सीधे सीधे आपको वो कैंडिलीवर नहीं दिख रहा होगा, जहां पर फ्रेम्स दिख रहे होंगे. और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इवन वो प्रॉब्लम्स जहां पर वेरिंग क्रॉस सेक्शन है. 2011 में आया हुआ प्रॉब्लम, 2014 में ये प्रॉब्लम आया है जहां पर मल्टीपल लोड्स हैं. अगेन आप पहले दूसरे वीडियोस देखोगे इसी प्लेलिस्ट के तो आपको पता चलेगा कि ऐसे केसेस में आपको क्या करना है सर. अगेन ये फ्रेम पर बेस्ड प्रॉब्लम, ये भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ये भी फ्रेम पर बेस्ड प्रॉब्लम है. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में किस तरह से, ऐसे प्रॉब्लम्स में किस तरह से आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आप यूज करके क्विकली रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं. 2015 में आया हुआ प्रॉब्लम है जहां पर बीच में लग रहा है लोड, इसके लिए भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वो ए और बी वाला जो फंडा बताया था वो यूज करना है. एंड देन 2015 में फिर से एक दो मार्क्स प्रॉब्लम आया है दूसरे सेट में.
Then you have this 2016 problem. Then you have this 2019 problem. And finally, this is the end of the thing. So make sure that you hit the bell icon so that you can keep receiving the notifications. And at the time of subscription, particularly mere wo dost jo gate 2021 ke liye prepare kar rahe hain, make sure that aap mera code use karke subscribe karo. Unacademy ke through gate ki preparation karne se best aur kuch bhi nahi hai sir. Aap ghar baithe aapke phone se preparation kar sakte ho. And I am telling you that I'll teach live on Unacademy these five subjects: engineering mechanics, mechanics of solids, theory of machines, fluid mechanics and machine design. These five subjects, so roughly 40 to 45 marks of weightage, I'm going to cover systematically. Make sure that you subscribe for the package using my code MTLIVE. Thank you very much for watching the session. Frames wali problem solve karne ke liye, aapko kya karna hoga? Janne ke liye, stay tuned for my next video. Thank you.